आज कोई शिक्षा मंत्री ये बयान दे रहा है वो कौन सा पार्टी में है, उन पार्टी का लीडर का अनुमति बिना के ऐसा बयान हो सकता है? एक बार हो सकता है, दूसरा बार तो नहीं हो सकता है। अभी बीजेपी का दो एक सदस्य ने इस्लाम का विरोध वक्तव्य दिया, पार्टी ने तुरंत कार्रवाई किया। इसलिए हम नहीं चाहता हूं कि कोई धर्म का खिलाफ बयानबाजी हो। अभी आप रामचरित मानस का पीछे जाएगा तो आपका इतना आपका उर्वर ब्रेन है कि आप राम को भी क्रिटिसाइज करता है कर सकते हैं, तो आप अपना तो पिता माता को भी आप छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा महान व्यक्तित्व को जो पार्टी में रखते हैं वो पार्टी का मुखिया का बारे में हमें प्रश्न पूछना चाहिए। मुखिया लालू यादव है तो वही है ना, एक बेटा कृष्ण के लिए बांसुरी बजाता है और उनका ही मंत्री राम को गाली देते हैं, तो वही भारत का भविष्य यही लोग बनाएगा, ऐसा उनका सोच। आज क्या मैं इस्लाम का विरोध बोल सकूंगा? आज मैं क्या ईसाई धर्म का खिलाफ बोल सकूंगा? मैं यहाँ बोलूंगा लिफ्ट के नीचे जाऊंगा मेरे एक्सपल्शन का नोटिस आ जाएगा, ये बीजेपी। बिहार में रामचरितमानस को लेकर के खूब सियासत हो रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया, तो अब इसको लेकर के जिस तरह से बिहार में सियासत हो रही है, तो इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बिहार दौरे पर पहुंचे और जब उनसे सवाल किया गया तो वो लालू परिवार पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि देखिए, एक बेटे बांसुरी बजाते हैं और उनके ही मंत्री रामचरितमानस पे बयान देते हैं, अन्य धर्मों पे इस तरह की टिप्पणी वो लोग नहीं कर सकते हैं और ये सिर्फ जो है हिंदू धर्म पे इस तरह की बातें की जाती है। हमारी पार्टी में अगर इस तरह की बातें की जाए तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर हम भी मुख्यमंत्री हैं, हम भी इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो हमें भी बर्खास्त कर दिया जा सकता है। इससे पहले भी हमारी पार्टी में बयानबाजी की गई थी इस्लाम धर्म को लेकर के, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। हम सभी धर्म का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन लालू के इशारे पर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है अन्य धर्मों पर बयानबाजी करके, तो देखे ये लोग क्या हश्र होगा, क्या कुछ कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। सबसे पहले आप वो सुने। कौन व्यक्ति है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब भारत में ये जो सिलसिला शुरू हुआ है हिंदू का खिलाफ बोलने का, वही व्यक्ति को मैं अगर ऐसा ही स्टेटमेंट अगर मैं मुसलमान ईसाई जीवस का खिलाफ में दे देता हूँ तब क्या होगा? तब तो पूरा बवाल बच जाएगा। तो ये अगर आज कोई शिक्षा मंत्री ये बयान दे रहा है वो कौन सा पार्टी में है, उन पार्टी का लीडर का अनुमति बिना के ऐसा बयान हो सकता है? एक बार हो सकता है, दूसरा बार तो नहीं हो सकता है। अभी बीजेपी का दो एक सदस्य ने इस्लाम का विरोध वक्तव्य दिया, पार्टी ने तुरंत कार्रवाई किया। इसलिए हम नहीं चाहता हूँ कि कोई धर्म का खिलाफ बयानबाजी हो, व्यक्ति का खिलाफ हो। अभी आप रामचरित मानस का पीछे जाएगा तो आपका इतना आपका उर्वर ब्रेन है कि आप राम को भी क्रिटिसाइज करता है कर सकते हैं, तो आप अपना तो पिता माता को भी आप छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा महान व्यक्तित्व को जो पार्टी में रखते हैं वो पार्टी का मुखिया का बारे में हमें प्रश्न पूछना चाहिए। मुखिया लालू यादव है तो वही है ना। तो एक बेटा कृष्ण के लिए बांसुरी बजाता है और उनका ही मंत्री राम को गाली देते हैं, तो वही भारत का भविष्य यही लोग बनाएगा, ऐसा उनका सोच। तो लालू यादव का ही रहता है। नहीं, मेरा तो सीधा बात है कि मैं उधर उधर घूमने वाला नहीं हूँ। अगर पार्टी का मुखिया का इजाजत नहीं होगा तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? आज क्या मैं इस्लाम का विरोध बोल सकूंगा? आज मैं क्या ईसाई धर्म का खिलाफ बोल सकूंगा? मैं यहाँ बोलूंगा लिफ्ट के नीचे जाऊंगा मेरे एक्सपल्शन का नोटिस आ जाएगा, ये बीजेपी। अगर आप हिंदू का खिलाफ आज आप बोलते हो, आपका खिलाफ क्यों एक्शन नहीं होता है? लोग सोचता है हिंदू ऐसा ही है, कुछ कर भी नहीं सकता है, हम हिंदू को गाली दूंगा फिर बोलूंगा हिंदू में जातिवाद है। क्या इस्लाम में मुसलमान महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया जाता है? ऐसा भी तो बात आते हैं कि 4 साल लोगों को 4 साल बीवियों का शादी किया जाते हैं, वो भी तो एक्सप्लॉयटेशन है। क्या आपका सारे जो गड़बड़ी खाली हिंदू में दिखता है और कोई दूसरा धर्म में आपको नहीं दिखता है? तो इसीलिए हर धर्म में अच्छी चीज होता है और धर्म का इवोल्यूशन में कुछ कुछ हो सकता है, कमियां भी आ जाता है, लेकिन आप धर्म को पार से आप क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, मैं ईसाई को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, मैं चाहता हूं हिंदू को भी आप क्रिटिसाइज मत करो।
तभी देश चल सकते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से ये लोग रामचरितमानस को लेकर के हो, सनातन धर्म को लेकर के हो बयानबाजी करते हैं, अन्य धर्मों को लेकर के बयानबाजी करके देखे क्या इन लोगों का हश्र होगा, ये लालू के इशारे पे इनके मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।